सर्वजीत के घर में हर कोई सरकारी नौकरी पे, चाहे बड़े ओहदे पे हो या छोटे ओहदे पे। सर्वजीत ने जैसे ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, अरे ग्रेजुएशन तो छोड़िए, ट्वेल्थ के बाद ही लोग उसके सर पे चढ़ गए थे कि भाई तुम अपनी तैयारी सरकारी नौकरी की के शुरू कर दो, एसएससी भरो, बैंकिंग भरो, ग्रेजुएशन करने के बाद तो सब इसी के पीछे ही पड़े कि एमए में नाम लिखवा लिए हो कोई बात नहीं, पर अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दो। सर्वजीत कुछ नया करना चाहते थे, वो क्लर्क बनना नहीं चाहते थे। सर्वजीत एक तरफ कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तथा दूसरे अपने दोस्तों से बातचीत भी कर रहे थे। उन्हें पता चला कि एक छोटा सा कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का है, इसको करके वो सोशल मीडिया और डिजिटल फील्ड के जितने भी अलग अलग माध्यम हैं उनका प्रयोग करके वो काफी कुछ कर सकते हैं जीवन में। बस क्या था, इतने भारी भरकम कंपटीशन की तैयारी से सर्वजीत ने अपने आप को निजात दिलाने की सोची और निकल के पता लगाया कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहाँ होता है। पिताजी तो पहले एकदम तैयार नहीं हुए, पर माता जी समर्थन में आ गए। भाई हर माँ अपने पुत्र को ज्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहती, और उन्होंने सर्वजीत को डिजिटल मार्केटिंग का करने का आदेश दे दिया। सर्वजीत ने 3 महीने में डिजिटल मार्केटिंग करके 2-3 महीने की इंटर्नशिप की और अब वो एक अच्छे आईटी कंपनी में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हैं, अच्छा धन भी कमा रहे हैं, चैंसी भी हैं। भाई जब सर्वजीत से बात कहो कहे भाई हाथ जोड़ता हूँ, न तो मैं इतनी मोटी किताबें पढ़कर और हर साल बर्बाद करके अपना समय नहीं बर्बाद करता, उतने समय में तो मैं कितना कमा लूंगा और चैन से भी रहूंगा। भाई सर्वजीत ने सूझबूझ दिखाई है। सर्वजीत ने 3 महीने का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर लिया है और इंटर्नशिप 2-3 महीने की कर ली, और इसके बाद वो एक आईटी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर के ओहदे पे काम कर रहे हैं। तनख्वाह भी अच्छी और समय भी पूरा है, जीवन का आनंद ले रहे हैं सर्वजीत।